ब्लॉक के सरपंचों ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना दे रहे सरपंचों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सरपंचों की मांग पूरी न करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सरपंचों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये विरोध जारी रहेगा। सरपंचों ने इस धरने में पंचायत सचिवों के शामिल होने का दावा भी किया। बीजेपी सरकार द्वारा जो सरपंचों के साथ एक भेदभाव वाला काम हो रहा है, जो कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं, तो आम जनता के सरकार में क्या हाल होगा। और आज इस सरकार में, बीजेपी सरकार में, हर वर्ग, हर कर्मचारी और जितने भी सब धरनों पर बैठे हैं, क्या सरपंचों की बात हो, क्या कर्मचारियों की, क्या किसानों की हो, क्या मजदूरों की हो, सब धरनों पर बैठे हैं और सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है और इनको कोई भी काम पर कोई भी ध्यान नहीं है। सेक्टरीज लोग हैं, उन पे मैनुअल भी नहीं आता कुछ सेक्टरीज पे तो, लेकिन वो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे? और सरपंच अपना रिकॉर्ड लेके कहाँ जाएगा? सारा रिकॉर्ड उसको कंप्यूटर ऑनलाइन कराने के लिए बाहर जाना पड़ गया फिर तो, जिन गांवों में सचिवालय नहीं है। प्रमुख कारण ई टेंडरिंग और ई प्रणाली बंद कराना, और 10 मांगे थी हमारी जिनमें से एक भी मांग सरकार ने नहीं मानी। हिंद एक्सप्रेस के लिए इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।